यार डियर प्लीज आप रो मत यार, आप सिस्टर के जैसी हो मेरी, ऐसे मत रो। 8, 9, 10 इनके कपड़े लाने हैं आपने, ठीक है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो गाइस कैसे हो सारे के सारे। गाइस ये जो लड़की थी ये मुझे मिली थी एक शादी में, अभी रिसेंटली मैं एक शादी में गया था, तो वहाँ पर ये फूल जो डालते हैं ना, तो ये लड़की वो जॉब करती थी, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसने मुझे देखा और मुझे पहचान लिया, तो इसने मुझे अपनी परेशानी बताई, तो फिर मैंने इसको मिलने के लिए बुलाया था। तो लड़की बहुत प्यारी है और परेशानी सबके साथ आ जाती है, तो मैंने यार इसकी थोड़ी सी हेल्प की है, तो देखना यार अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना। इस लड़की ने इसके अंदर एक काम इतना अच्छा किया है, इसने हेल्प मांगने में शर्म नहीं दिखाई लेकिन कुछ गलत काम नहीं किया, समझ रहे हो ना। तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखो, मैं मिलूँगा वीडियो के एंड में। हेलो, हाय, हाय, बैठो। कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बस मैं ठीक ठाक हूँ। और जॉब वगैरह सब ठीक ठाक चल रही है? हाँ अभी तो सही चल रही है जॉब, क्योंकि शादी वगैरह का सीजन चल रहा है ना। हाँ, तो अभी इवेंट वगैरह काम वही चल रहा है। वही चल रहा है। तो कितने पैसे मिलते हैं आपको? वही मिल जाता है, कभी 1000 ही मिलते हैं, 500 ही मिलते हैं पर डे के। अच्छा, तो इसके अलावा कुछ और काम नहीं करती हो आप? नहीं, इसके अलावा और कुछ काम नहीं, बस यही चलता है मेरा। अच्छा, तो घर में और कोई नहीं है कमाने वाला? नहीं और कोई नहीं है, मैं ही देखती हूँ। मम्मा हो आप हो बस? हाँ। दो ही जने हो पूरे घर में? हाँ, बहन है एक छोटी, एक छोटी बहन है। घर आपका अपना है, रेंट का है? अपना ही है घर, अपना ही है। चलो ये अच्छी बात है कि आपको रेंट पे नहीं करना पड़ता, रेंट पे नहीं करना पड़ता, बस ये बच जाता है, ये बच जाता है। अच्छी, तो मम्मा को हुआ क्या है आपके? वो थोड़ी ब्रेन में प्रॉब्लम है, दिमागी प्रॉब्लम है। दिमाग में प्रॉब्लम है? हाँ। तो मतलब दिमाग में क्या प्रॉब्लम है समझा नहीं मैं कुछ। कहीं का कुछ चीजें रख के भूल जाते हैं। अच्छा। कभी कभार कहीं क्या करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस वगैरह लेने लग जाते हैं हर एक चीज को लेकर। अच्छा। हाँ, तो मैं बाहर रहती हूँ, हर एक चीज को ज्यादा सोच के फिर अटैक वगैरह पड़ जाता है, बेहोश वगैरह हो जाती है। अच्छा जी। फिर आपने उनको दिखाया नहीं कहीं अच्छी जगह? दिखाओ ना उनको। दवाई कहाँ से चल रही है? सरकारी हॉस्पिटल से चल रही है। सरकारी हॉस्पिटल से दवाई चल रही है? हाँ। सरकारी हॉस्पिटल में देख रेख तो अच्छी खासी होती है, मैंने सुना है दिल्ली सरकार ने बहुत सारी चीजें अच्छी कर रखी है। हो तो रही है, अभी इतना आसान अभी है नहीं, अभी 1-1.5 साल से चल रहा है इलाज, अभी आराम है ही नहीं, आराम ही नहीं है। तो फिर प्राइवेट वगैरह में जाके क्यों नहीं दिखा रहे हो आप? पैसे होने के चाहिए ना, इतने पैसे है ही नहीं। अच्छा। पैसे हो तभी जाऊंगी, तो इसीलिए मैंने सुना है आप बहुत हेल्प करते हो लोग, मैं सोचा कि मैं आपसे हेल्प मांगूंगा। तो आप मुझे कैसे जानते हो? आपने मुझे शादी में आते के साथ ही पहचान लिया था? नहीं, मतलब एक फ्रेंड ने आपसे दिखाए थे एक जगह, तो मैंने सुना था आपसे, वीडियो वगैरह दिखाया था। हाँ, आप हेल्प करते हैं, तो इसी वजह से मैंने आपसे पहचान लिया, तो मैंने आपको इसलिए बोला मैंने। ओके, अगर कर सके तो आप मेरी हेल्प प्लीज कर दीजिए। मतलब हेल्प, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? मैं राशन डलवा सकता हूँ आपके घर में, बताओ क्या कर सकता हूँ? जितने मर्जी, अगर आप हेल्प कर देते दवाइयों। अच्छा, दवाइयों के लिए हेल्प? हाँ। तो फिर आप अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हो उनको जाके? हाँ, मैं अच्छे डॉक्टर को दिखा पाऊंगी ना, तब उनकी तबीयत में सुधार होगा। रो क्यों रही हो आप? रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, वो बस थोड़ा सा। यार डियर प्लीज आप रो मत यार, आप सिस्टर के जैसी हो मेरी, ऐसे मत रो प्लीज यार, ऐसे ऐसे हिम्मत नहीं हारता यार इंसान लड़की के अंदर। तो हाँ, अभी तक तो हाँ हारी नहीं है, तो हारो भी मत प्लीज यार, ये आंसू पोछो प्लीज डियर, आंसू पोछो, ऐसे ऐसे नहीं रोते यार। मेरी बात सुनो, आप लड़की हो, ये मत सोचो कि लड़की के अंदर ताकत नहीं होती, लड़की के अंदर पावर नहीं होती, लड़की कुछ नहीं कर सकती। हमारे देश की इतनी अच्छी अच्छी लड़कियाँ कहाँ कहाँ तक पहुँच गई है यार, पहुँची है ना। तो उनके पीछे भी बैकग्राउंड नहीं था कुछ भी, वो भी अपनी माँ माँ बाप के लिए, एक लड़की अपने माँ बाप को भाइयों को पालती है यार, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, आप लड़की हो तो आप कमजोर हो, कमजोर मत पड़ो, समझ रहे हो। हेल्प की जरूरत तो हर किसी को पड़ जाती है, ये अच्छी बात है कि आपने हेल्प मांगी, गलत काम नहीं किया, नहीं तो आजकल की लड़कियां गलत काम में उतर जाती हैं, समझ रही हो मेरी बात को? वही तो नहीं करती ना, इसी वजह से तो सच में ये दिक्कत पड़ रहा है। तो प्लीज रो मत यार, आप चुप हो जाओ, तुम्हारा भाई बैठा हुआ है ना यहाँ पे, तुमने भाई समझाया कुछ भी समझा, प्लीज ये आंसू पोछो यार, ऐसे नहीं रोते प्लीज डियर, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो दीपावली कब की है? परसों की दीपावली है। अच्छा, तो घर में मतलब तुम इतनी टेंशन ले रही हो, दीपावली का माहौल है, तुम इतनी यार, ऐसे कैसे चलेगा डियर? क्या नाम है आपका? मानसी। मानसी, कितना अच्छा नाम है मानसी यार। मानसी इतनी टेंशन मत लिया करो डियर, आप अपनी मम्मी की ताकत हो, अपनी बहन की ताकत हो, आपको आपको उन दोनों को संभालना है, हिम्मत नहीं हारनी है आपने,
समझी। और खुशी का टाइम है, त्योहार साल में एक बार आता है, उसे अच्छे से सेलिब्रेट करो, अच्छे से मनाओ। तुम्हारा भाई है, आपने मुझसे हेल्प मांगी है, भाई समझा, मैं आपकी हेल्प करूंगा, बिल्कुल करूंगा। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात एक चीज लगी है कि मानसी आपके अंदर हिम्मत बहुत है, आप वेडिंग इवेंट भी करते हो उसके बाद भी कुछ और करते हो। यार आंसू पोंछो यार, ये आंसू आंसू मुझे नहीं अच्छे लग रहे, ये आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे मुझे, हंस के दिखाओ। हाँ ये हुई ना बात, अच्छी बात है। तो एक काम करते हैं, देखो मैं इस टाइम पे अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, क्योंकि मैंने सारा पैसा अपने काम में लगा दिया और मैं वीडियो वगैरह भी इतनी नहीं बना रहा हूँ, तो मैं इतना तो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है डियर, लेकिन जितना भी होगा उतना मैं आपके लिए कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो दीपावली आई हुई है, ठीक है जी, दीपावली है घर के अंदर, तो सिस्टर के लिए कपड़े लाने हैं आपने, मम्मा के लिए कपड़े लाने हैं, अपने लिए कपड़े लाने हैं, ठीक है। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, इनके कपड़े लाने हैं आपने, ठीक है। और एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ये पैसे डॉक्टर के लिए, इस पैसे से आपको डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच, और ये 3000 पे रखो, इन पैसों की दिए मिठाई विठाई घर में सजावट अच्छे से, और ये मत बोलना कि ये मैंने दिए हैं, ठीक है। हैप्पी हो? हाँ। कितनी हैप्पी हो? बहुत ज्यादा, बहुत आवारी हूँ बहन। बहन ऐसा कुछ नहीं है, देख यार पता है भगवान ना करे कल को मुझे जरूरत पड़ जाए, ठीक है, आज भगवान ने सब कुछ दे रखा है और नहीं है, बाकी अब 4 पे बचे हैं, वो आने जाने के लिए भी चाहिए होते हैं, ठीक है। देख भगवान, भगवान ना करे कि किसी पे ऐसा टाइम आए, लेकिन भगवान ने हाथ पैर सलामत दे रखे हैं, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है, वो तो मानोगी नहीं मानोगी, ठीक है। तो मेहनत करनी है अच्छे से, ठीक है, किसी के आगे हिम्मत नहीं हारनी, किसी के आगे कभी कोई गलत काम नहीं करना, पक्का, ठीक है। हैप्पी दिवाली, हंसते रहो, बाय। सो गाइज, होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो, और हाँ मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी 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 और वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। और गाइज मुझसे बात करनी है तो प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और हाँ बहुत जल्दी बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि अब मैं वापस आ चुका हूँ आप लोगों को इंटरटेन करने के लिए, आप लोगों का प्यार पाने के लिए और आप लोगों को हंसाने के लिए, ठीक है गाइज। तो प्लीज़ आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, और कमेंट करें कि किस किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो मैं आपको उसी टॉपिक पे वीडियो दूंगा।